अलीनगर में बीते दिनों सतेली मां के साथ मारपीट मामले में मोहन यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अलीनगर थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में बीते दिनों हुई मारपीट में सतेली मां के साथ सतेले बेटे ने मारपीट किया था, जिसका इलाज अलीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया था। साथ ही थाने को इसकी लिखित शिकायत की गई थी, जिसके आलोक में अलीनगर थाना ने कांड संख्या 101/19 धारा 341/347/379/504/34 दर्ज कर अभियुक्त मोहन यादव पेशर रामचंद्र यादव मिल्की थाना अलीनगर जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र रसीदपुर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत पर सोमवार को मीडिया की टीम जब रसीदपुर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो वहां एकमात्र ANM व एक चतुर्थ वर्गीय महिला कर्मचारी मिली। समय 11:45 से 12 बजे तक इन दोनों के अलावा न तो डॉक्टर मिले न अन्य कर्मचारी। ग्रामीणों की तरफ से डॉक्टर की लापरवाही की शिकायत बार बार मिल रही थी, जिसकी सच्चाई से सोमवार को पर्दा उठ गया। ग्रामीणों द्वारा की जा रही शिकायत सत साबित होती हुई नजर आ रही है। अब सुनिए ANM व ग्रामीणों ने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा है। क्या नाम है मैडम आपका? क्या है आप यहाँ और ये क्या है? अच्छा, तो यहाँ आज किन किन की ड्यूटी है? मेरा है, राजू भी है, अरुण है, विजय शंकर झा। और डॉक्टर कौन है? डॉक्टर प्रमिला। तो बाकी लोग कहाँ हैं और आपके स्टाफ सब कहाँ हैं? मैडम तो आ रही है। अच्छा, और से दूसरी वाली ANM? अच्छा, और जो स्टाफ है? और नहीं मालूम। समय कितना हुआ अभी? पौने 12 बजे। फिलहाल आपके अलावा यहाँ एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ऐसे में कैसे चलेगा आपका हॉस्पिटल, कैसे चलता है फिर? डॉक्टर तो है नहीं, वो आते आते उनको एक बज जाएगा यहाँ, तो ऐसे में कैसे चलेगा? क्या नाम है आपका? मनीष कुमार झा। आप लोकल हैं यहाँ के? जी। कहाँ घर है? रसीदपुर। और ये क्या है? ये स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, यहाँ अभी फिलहाल डॉक्टर हैं क्या? हैं तो मगर आते नहीं हैं। और अभी हैं? नहीं। अच्छा, तो यहाँ क्या इलाज वगैरह होता है? इलाज होता है, डॉक्टर आएंगे तब ना इलाज होगा। तो अब संतुष्ट नहीं है? नहीं। विगत जुलाई में विकराल रूप लेकर आई बाढ़ ने अलीनगर के अधिकांश हिस्सों में अपना कहर बरपाया था। इसी क्रम में अलीनगर से गरौल के रास्ते ओड़गामा होते हुए महथौड़ जाने वाले मुख्य मार्ग ओड़गामा के पास ध्वस्त हो गई। किसी तरह आनन फानन में उस रास्ते को ईंट के टुकड़ी डालकर चलने लायक बनाया गया। तब से आज तक उस रास्ते की सुधी लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों की माने तो इस रास्ते में आधा दर्जन मोटरसाइकिल व चार चक्का वाहन अब तक गिर चुका है या पलट चुका है, लेकिन अब तक न तो प्रशासन के तरफ से न ही विधायक या सांसद ने अब तक इस पर कोई पहल किया है। रास्ता पूरी तरह जर्जर हाल में है। क्या स्थिति है? स्थिति तो इतना दयनीय है कि अगर मोटरसाइकिल से भी चलने में डर लगता है, और चार चक्का की तो बात ही वही है कि जान को तौल के जो है गाड़ी को यहाँ पार कराया जाता है, किसी न किसी तरह सवारी को उतार के जो है गाड़ी को टपाया जाता है। बहुत विभत्स स्थिति है, जनता परेशान है। वो बाढ़ के समय में आपातकालीन इसको जो है चालू किया गया, लेकिन वहीं पर उसको छोड़ दिया गया, जिससे कि आमजन परेशान हो। अच्छा, उसके बाद से फिर यहाँ के प्रशासन या फिर गवर्नमेंट से किसी के तरफ से कोई सुध नहीं है? यातायात वो अपना चालू करके दिखा दिए कि भाई यातायात हो रहा है, उससे आगे कुछ नहीं है। यात्री कैसे जा रहा है या कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट का तो न्योता ही न्योता है, क्योंकि अच्छा, पदाधिकारी वगैरह भी कभी इस पे मंथन नहीं किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। सोमवार को कोर्ट के वारंटी को अलीनगर पुलिस ने
किया गिरफ्तार। सोमवार को अलीनगर थाना ने कोर्ट के वारंटी नरेश मुखिया, पिता महेंद्र मुखिया, साकिन मिर्जापुर खक्खा चरकू मिर्जापुर से गिरफ्तार किया है। अलीनगर थाना अध्यक्ष रामनारायण पासवान ने बताया, नॉन वैलेबल वारंट के वारंटी नरेश मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।